मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर सोफिया को देखते हैं, जो एक असिस्टेंट का काम करती थी। उसे एक लोगो डिजाइनर बनना था और उसी फर्म में वो काम करती थी, पर वहां पर एज अ ग्राफिक डिजाइनर जॉब ना होने की वजह से वो एज अ असिस्टेंट काम कर रही थी। आज उसका बर्थडे था तो सब लोग उसे एक कार्ड देते और विश करते। उसे पर्सनली किसी ने भी विश नहीं किया था। सोफिया की एज अब 30 ईयर्स हो गई थी और वो सोच रही थी कि अपनी लाइफ के साथ वो कर क्या रही है। उसे अपने करियर में आगे बढ़ना था। इसी के बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गई। वो कहती है कि कंपनी में अगर कोई भी पोजीशन अवेलेबल हो तो वहां पर मैं काम कर सकती हूँ। बॉस उसे कहती है कि जिस पोजीशन के बारे में तुम बात कर रही हो, इस पोजीशन को पाने के लिए हर एक आदमी जो क्वालिफाइड है वो मेहनत कर रहा है, तुम्हें पोजीशन इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। सोफिया डिसअपॉइंट हो जाती है। ये देखकर उसकी बॉस उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक फेवर करती हूँ, तुम्हारी एज भी बहुत ज्यादा हो चुकी है और तुम्हें अब असिस्टेंट का काम नहीं करना चाहिए। इसी वजह से उसने उसे फायर कर दिया। सोफिया बहुत अपसेट हो गई थी और वैसे ही वो घर पर आए। वो घर पर आकर देखती है तो उसके बॉयफ्रेंड ने टेबल पर 2 सैंडविच बनाए हुए थे। बेडरूम से उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड बाहर आता है और रिचर्ड को छिपाने की कोशिश कर रहा था। अंदर से कुछ आवाज आती है तो सोफिया सस्पिशियस हो गई। उसने अंदर जाकर देखा तो रिचर्ड किसी और लड़की के साथ था और लड़की वहां से जाने की कोशिश कर रही थी। वो समझ जाती है कि यहाँ पर क्या हुआ था और इस बात से वो बहुत हार्ट ब्रोकन हो गई। उसे कहती कि तुम्हारे पास 1 आवर है, मैं फिर से वापस आऊंगी, इस लड़की के साथ उसके घर पर चले जाओ और वहीं पर रहना। अब उसे फिर से यहाँ पर नहीं देखना चाहती थी। वो घर से बाहर निकलती है पर उसका कोट डोर में अटक गया था और इसी वजह से वो स्टेज से नीचे गिर गई। रिचर्ड उसे हेल्प करने की कोशिश करता है पर उसे वो मना करती है। इसके बाद हम 2 वीक्स के बाद उसे एक न्यू सिटी में देखते हैं, अपनी मदर के पास। उसके पैर पर फ्रैक्चर हो गया था। सोफिया घर में ही रह रही थी और बहुत ही सैड थी। मदर उसे कहती है कि तुम्हें जरा बाहर निकलना चाहिए, न्यू फ्रेंड्स बनाने चाहिए। मैं आज जुम्बा क्लास जा रही हूँ और मेरी सारी फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाहती है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। सोफिया इसके लिए मना कर रही थी पर उसकी मदर फिर उसे मना ही लेती है। मदर की फ्रेंड सोफिया से पूछती कि तुम आजकल कर क्या रही हो। सोफिया अपने प्रीवियस जॉब के बारे में बता रही थी पर मदर आकर सब कुछ सच सच बता देती है कि सोफिया का जॉब चला गया है और अब आगे क्या करना है ये वो फिगर आउट करना चाहती है। क्लास खत्म होने के बाद बाहर मदर ने एक बोर्ड पर पैम्पलेट देखा, ये कुकिंग क्लास का था। मदर कहती है कि तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। सोफिया कहती है कि मुझे तो ऑलरेडी कुकिंग आती है, इस सब की मुझे जरूरत नहीं है। मदर ने कहा कि तुम्हें सिर्फ चीजों को गर्म करना आता है, बाकी तुम कुछ भी नहीं करती। सोफिया ने कहा कि वैसे भी वो कपल का क्लास है। मदर कहती है कि मदर डॉटर की जोड़ी से ज्यादा अच्छी जोड़ी क्या हो सकती है, वो उसके साथ आना चाहती थी। सोफिया इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। एक दिन मदर सोफिया को उठाती है और कहती है कि चलो हम स्पा कर आते हैं। स्पा के बहाने उसे डायरेक्टली कुकिंग क्लास लेकर आई। सोफिया इसके लिए ड्रेस भी नहीं थी, उसे बहुत ही एम्बेरस लगता है। मदर ने कहा कि तुम ज्यादा सोच रही हो, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए, वो साफ साफ मना कर देती है। उसे गाड़ी से बाहर निकालने की मदर बहुत कोशिश कर रही थी तभी वहां पर एक आदमी आता है। वो कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सोफिया की मदर कहती कि मेरी डॉटर को फ्रैक्चर है, उसे गाड़ी से वो निकल नहीं रही। वो आदमी फिर सोफिया को गोद में उठाकर बाहर निकाल देता है, उसे थैंक यू कहता है और फिर वो वहां से चले गए। इसके बाद वो कपल्स क्लास में आते हैं। यहाँ पर कुछ मैरिड कपल थे और कुछ डेट के लिए फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे। क्लास के शेफ इस क्लास की इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें और एक शेफ ज्वाइन करने वाला है, ये और कोई नहीं तो सोफिया को हेल्प करने वाला आदमी ही था। ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है मटियास। आज उनके क्लास में वो टॉर्टिला एस्पेनियोल बनाने वाले थे जो एक्चुअल में सिर्फ ऑमलेट होता है। कुकिंग करते हुए कपल्स एंजॉय कर रहे थे। सोफिया को यह सब देखना अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि एक दूसरे को छोड़कर चले ही जाएंगे। नेक्स्ट ऑमलेट को अच्छी तरीके से मिक्स करना था। मैटियस कहता है कि इस पर आप अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उतार सकते हो और सोफिया बहुत ही ज्यादा ही कर लेती है। इसके बाद ये फाइनली ऑमलेट बन जाता है और इसकी टेस्ट भी अच्छी आई थी। मटियास सोफिया से कहता है कि कार तक चलने में तुम्हारी मैं हेल्प कर सकता हूँ। सोफिया ने कहा कि मेरी मदर यहाँ पर है। मदर ये सुनकर पहले ही गाड़ी में जाकर बैठ गई थी ताकि सोफिया मटियास से बात कर सके। मटियास उसे पूछता है क्या तुम्हें क्लास में मजा आया। सोफिया कहती कि उतना ज्यादा न्यू कुछ भी नहीं था, हमने सिर्फ ऑमलेट ही बनाया है। मटियास कहता है कि एक ओल्ड रेसिपी है और ये सिंपल होती है पर इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है जो इसे अमेजिंग बनाता है। उनके शेफ का सॉल्ट अमेजिंग था और इसी वजह से सब लोगों को बहुत मजा आया था। सोफिया फिर भी उसे कहती है कि यहाँ के पास का फास्ट फूड रेस्टोरेंट वो प्रीफर करती है। मटियास ने उसे कहा कि खाना प्यार की निशानी होती है, इसमें हमें प्लेजर मिलना चाहिए। वो जाते हुए उनसे कहता है नेक्स्ट वीक फिर से मिलना। मटियास को सोफिया से बात करते हुए उसकी कजन देखती है। कजन उसे टीज करने लगती है कि तुम अभी अभी यहाँ पर आयो और फिर भी अमेरिकन के साथ तुम्हारा कुछ ना कुछ स्टार्ट हो गया। मटियास कहता है कि वैसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी मैं जूलियटा को डेट कर रहा हूँ। कजन ने कहा कि जूलियटा तुम्हें छोड़कर आधे यूरोप को डेट कर रही है, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसे सोफिया के साथ ही फ्रेंडशिप आगे बढ़ाने की एडवाइस देती है। गाड़ी में मदर सोफिया से कह रही थी कि मटियास बहुत ही अच्छा लग रहा था। सोफिया कहती थी कि यूरोपियन आदमी फ्लर्ट होते हैं
उन्हें सिर्फ फ्लर्टिंग ही आती है, बाकी वो रियल रिलेशनशिप कमिट नहीं कर सकते। मदर चाहती थी कि वो फिर से रेस्टोरेंट पर जाए, रात में उनके साथ डिनर करे, पर सोफिया कहती है कि मैं मेरी फ्रेंड से मिलने वाली हूँ। कुछ दिनों बाद सोफिया अपनी फ्रेंड ओलिविया से मिली। ओलिविया उसे पूछती है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी क्यों? सोफिया ने कहा कि हम हाई स्कूल से डेट कर रहे थे, हाई स्कूल खत्म होने के बाद वो मुझे एक सेफ चॉइस लगी और इसी वजह से मैं उसके साथ थी। सोफिया ने मटियास को जिस फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बारे में बताया था वो वहीं पर मिले थे। सोफिया अभी भी उस क्लास के बारे में ही सोच रही थी, इसी वजह से ऑमलेट ऑर्डर करती है। फ्रेंड ने कहा कि तुम यहाँ पर ऑमलेट कैसे ऑर्डर कर रही हो, तुम्हें तो चिकन फिंगर्स अच्छे लगते हैं। सोफिया ने कहा कि लास्ट वीक जब मैंने क्लास किया था तब से मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। पैरेलल में हम देखते हैं कि मटियास का आज काम खत्म हो चुका था तो उसके बॉस उसे जल्दी जाने देते हैं। उसने विंडो से वही फास्ट फूड रेस्टोरेंट देखा जहाँ पर सोफिया है और वहीं पर वो पहुंच जाता है। आज ओलिविया को जल्दी घर पर जाना था क्योंकि उसकी फैमिली है और बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। फ्रेंड उसे कहकर जाती है कि मैंने एक बहुत ही हैंडसम लड़के को देखा, और कोई नहीं तो मटियास ही था। फ्रेंड के जाने के बाद मटियास सोफिया को नोटिस करता है, कहता है कि यहाँ पर मैं ड्रिंक लेने के लिए आया था पर बारटेंडर ने मुझे भाव ही नहीं दिया। सोफिया कहती है कि तुम बहुत ही पोलाइट हो, अमेरिका में अगर तुम्हें ड्रिंक चाहिए तो जरा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। उसे सिखाने वाली थी पर तभी उसकी कैब आ गई। वो फिर उसे कहती है कि किसी और टाइम पर हमें प्लान करेंगे। अगली सुबह सोफिया अपने लाइफ में जरा आगे बढ़ने के बारे में सोचती है। उसके पास सिर्फ जूनियर डिग्री थी, जब ने जॉब छोड़ी थी तो उसके ऑफिस में सारे सीनियर्स काम कर रहे थे। अब वो सोचने लगती है कि उसे मास्टर्स डिग्री चाहिए। अपने घर के पास का एक कॉलेज वो लेना चाहती थी ताकि अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड कर सके। मदर को भी ये प्लान बहुत अच्छा लगता है। आज मटियास उसकी गर्लफ्रेंड जूलियटा के फोटोज देख रहा था। मटियास के कजन ने उसे कहा कि तुम्हें अब जूलियटा को जाने देना चाहिए। आज फिर से कुकिंग क्लास था। सोफिया के मदर के पैर में क्रैम्प्स आने लगते हैं तो उस वजह से वो जा नहीं सकती थी। सोफिया ने कहा कि फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। मदर ने कहा कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए, तुम्हें ऐसे क्लास को मिस नहीं करना चाहिए। सोफिया ने भी क्लास को मिस किया था, इसी वजह से अकेली वहां पर वो चली जाती है। शिव देखते हैं कि सोफिया के साथ कोई भी नहीं है, इसी वजह से मटियास के साथ उसे कुक करने के लिए कहते हैं। उन दोनों ने मिलकर फिर बहुत ही अच्छे से कुक किया। अच्छा टाइम वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। जो डिश आज उन्होंने बनाई थी वो एक रॉ डिश थी और इसको टेस्ट करके सबको बहुत अच्छा लगता है। मटियास ने कहा कि अपनी मदर को सांग्रिया के साथ देना। सोफिया कहती है कि वो तो बहुत ही अनहेल्दी होता है। मटियास ने कहा कि तो फिर तुम्हें अच्छी तरीके से बनाना नहीं आता। वो फिर उसके लिए सांग्रिया लेकर आता है। वो दोनों इसे टेस्ट करते हैं और फिर बातें करते हैं। मटियास ने कहा कि ये ऐसी डिश है जो बहुत ही सेंशुअल होती है। उससे पूछता है कि तुम करती क्या हो। सोफिया ने कहा कि वो ग्राफिक डिजाइनर है। उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहता है तो उसे सब कुछ कलर्स ब्रांडिंग इन सारी चीजों के बारे में बताती है। मटियास ने कहा कि ये तो शेफ होने की तरह ही है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालो और फिर फाइनल एक अच्छी सी डिश क्रिएट करो। मटियास का भी आगे प्लान था कि वो खुद का रेस्टोरेंट क्रिएट करे। उसे पूछता है क्या तुम मेरा लोगो डिजाइन कर सकती हो। सोफिया कहती कि उसके लिए मुझे तुम्हें जानना पड़ेगा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है और उसी से मैं अच्छा लोगो बना पाऊंगी। सोफिया ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मटियास कहता है कि तुम्हारी रिसर्च का क्वेश्चन नहीं हो सकता, अगर तुम्हें एक्चुअल में जानना है तो मेरे साथ कुकिंग करो। वो फिर दोनों मिलकर उनके रेस्टोरेंट की रात की कुकिंग करते हैं। एक दूसरे के साथ उन्होंने आज बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था। सोफिया को भी बहुत अच्छा लगता है। वो खुश होकर घर पर आती है और वहां पर उसने रिचर्ड को देखा। रिचर्ड यहाँ आके बातें कर रहा था। सोफिया उसे कहती है कि डायरेक्टली पॉइंट पर आओ कि तुम यहाँ पर आए क्यों हो। वो कहता है कि मैंने जो भी किया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोफिया कहती है कि हमारी रिलेशनशिप में तुम कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाए, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। रिचर्ड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, जो भी हुआ वो बहुत ही मीनिंगलेस था, मैं उस लड़के को जानता भी नहीं था। इसके बाद सोफिया घर पर आ जाती है। रिचर्ड ने उसे एक गिफ्ट दिया था, ये ओपन करके देखती है तो इसमें एक नेकलेस है। मदर कहती है कि नेकलेस तो बहुत अच्छा है। सोफिया ने कहा कि रिचर्ड को पता ही नहीं है कि मैं कभी भी नेकलेस पहनती नहीं हूँ। रिचर्ड के बारे में सोफिया अपनी फ्रेंड ओलिविया से बात कर रही थी। ओलिविया उसे कहती है कि रिचर्ड ने एक बार तुम्हें धोखा दिया है, अब तुम्हें उसके पास फिर से वापस नहीं जाना चाहिए। वो कहती है कि वैसे भी मटियास के साथ तुम्हारी बातें आगे बढ़ रही थी। सोफिया कहती कि एक दो वीक में मटियास अपने घर पर चला जाएगा, हम दोनों के बीच में ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। ओलिविया ने कहा कि रिचर्ड ने तुम्हें हर्ट किया और इसी वजह से लाइफ में तुम आगे बढ़ने से डर रही हो। सोफिया कहती कि जॉब छोड़ना, रिचर्ड को छोड़ना है, सारे हार्ड डिसीजन लेने में मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है। ओलिविया कहती है कि डिसीजन तुमने नहीं लिए थे, जॉब से तुम्हें निकाल दिया गया था, रिचर्ड ने तुम्हें छोड़ दिया था, तुम अपने लाइफ को कंट्रोल में नहीं लेती और इसी वजह से तुम्हारे लिए लोगों को डिसीजन करना पड़ता है। ये बात सोफिया को हिट करती है और फिर अपने लाइफ में चेंज लाने का डिसाइड कर लेती है। नेक्स्ट डे वो मटियास से मिलने के लिए गई। वहां पर मटियास की कजन थी तो कजन कहती कि मटियास को आज बहुत काम दिया गया है क्योंकि वो जरा डिस्ट्रैक्टेड था। डिस्ट्रैक्शन का रीजन भी सोफिया ही है, उसी के बारे में वो सोच रहा था। मटियास फिर वहां पर आता है तो सोफिया उसे कहती कि मैं सोच रही थी कि तुम्हें यहाँ की सारी जगह दिखाओ।
मटियास को भी फिर जाने दिया जाता है। वो दोनों बाहर आए, उसे अपनी फेवरेट डिश खिलाता है। सोफिया ने मटियास के रेस्टोरेंट के लिए लोको बनाया था जो मटियास को बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सोफिया उसे किस कर लेती है। मटियास को बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद वो दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। रात में इंटीमेट हो गए। सोफिया सुबह ही घर पर आती है। उसकी मदर उसे खुश देखकर खुश थी। अगले दिन सोफिया अपनी मदर के साथ कुकिंग क्लास पर आई। वहां पर वो देखती है तो रिचर्ड उसका वेट कर रहा था। सोफिया ने पूछा कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। रिचर्ड कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था। सोफिया ने कहा कि तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते। रिचर्ड कहता है कि मैंने शेफ से बात की है, कुकिंग क्लास देख सकता था। वो फिर वही पर बैठता है। इसके बाद क्लास में शेफ एक नई डिश इंट्रोड्यूस करते हैं। ये एक ट्रेडिशनल डिश थी और इसे सर्व भी ट्रेडिशनली किया जाता है। इसी वजह से मटियास को ड्रेसअप किया गया था। वो सबके सामने ड्रेसअप कर आकर फिर उनके लिए डांस करता है। उसके साथ सोफिया भी एंजॉय कर रही थी। तभी उसी मोमेंट पर मटियास की गर्लफ्रेंड जूलियट आ जाती है। वो मटियास का आउटफिट देखती है और कहती है, क्या अमेरिका में ऐसा ही सर्व किया जाता है। मटियास उसे एक्सप्लेन करता है, जूलियट एक इन्फ्लुएंसर थी और हमेशा अपनी धुन में रहती थी। क्लास खत्म होने के बाद मटियास सोफिया का वेट कर रहा था। उसे कहता है कि जूलियटा का ऐसे आना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोफिया कहती है कि मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे लिए इतनी केयर करती है कि यहाँ तक वो आ गए। मटियास कहता है कि उसे सिर्फ अटेंशन अच्छा लगता है। सोफिया ने कहा कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती, एक ऐसा होता है ये फीलिंग मैं जानती हूँ, वैसे भी तुम यहाँ से जाने वाले हो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद मटियास से रिचर्ड मिलता है। रिचर्ड ने कहा कि मुझे पता है तुम एक्चुअल में सोफिया के लिए केयर नहीं करते, तुम अमेरिका में थे और किसी अमेरिकन लड़की के साथ रहना चाहते थे। मटियास कहता है कि तुम भी उसके लिए केयर नहीं करते। रिचर्ड ने कहा कि हम दोनों हमेशा से साथ है और हमेशा साथ ही रहेंगे। मटियास कहता है कि वो कभी भी नेकलेस नहीं पहनती, ये बात भी तुम्हें पता नहीं है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। सोफिया जूलियटा के बारे में अपनी फ्रेंड ओलिविया को बता रही थी। ओलिविया कहती है कि जूलियटा की टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट है और तुम उसे बहुत ही प्रीटी भी है। ये सब कहकर वो सिर्फ उसका मजाक उड़ाती है। सोफिया ने भी इस बात पर हंस दिया। इसके बाद सोफिया अपने डिजाइन पर काम करती है। उसने जुम्बा क्लास भी ज्वाइन कर लिया था। अपनी कुकिंग को भी वो इम्प्रूव करती है। अपनी मदर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है। जुम्बा क्लास में सोफिया की मदर की फ्रेंड सोफिया से कहती है कि प्यार का रंग तुम पर अच्छा चढ़ रहा है। सोफिया ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता। फ्रेंड कहती है, मदर की फ्रेंड कहती है कि मटियास मेरा ग्रैंडसन है। ये सुनकर सोफिया जरा सस्पिशियस हो गई कि क्या उसकी मदर ने जानबूझकर उन दोनों को सेटअप किया है। मदर का एक्चुअल में उस दिन पैर दुखी नहीं रहा था जिस दिन उसने सोफिया को मटियास के साथ कुकिंग क्लास के लिए भेजा था। एक्सप्लेनेशन पूछने पर मदर कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए किया है, मैं चाहती थी कि तुम एक स्पेनिश प्यार को एक्सपीरियंस कर पाओ। सोफिया पूछती कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। मदर ने कहा कि तुम्हारे फादर से मिलने के पहले मैं एक आदमी से प्यार करती थी, मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा था, तुम्हारे फादर को उन्होंने मेरे लिए चूज किया, तुम्हारे फादर एक सेफ चॉइस थे और इसी वजह से मैंने उनके साथ शादी कर ली। मदर कभी कभी सोचती है कि अगर वो अपने प्यार से शादी करती तो पूरे वर्ल्ड घूमती, अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करती। हमेशा जिस तरीके से उसने सेफ चीज को चुना वैसे वो कभी नहीं करती। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस वो सोफिया के लिए चाहती थी कि सोफिया हर एक चीज को अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करे। इसके बाद सोफिया और मदर फिर से कुकिंग क्लास के लिए जाते हैं। सोफिया ने मटियास के कजन से पूछा कि वो कहाँ पर है। कजन कहती कि आज वो जा रहा है, सोफिया को मटियास से मिलना था। कजन ने कहा कि चलो उसे मिलकर ढूंढते हैं। मटियास अपने रूम में नहीं था, वो एयरपोर्ट पहुंच चुका होगा, तो कजन के साथ सोफिया एयरपोर्ट पहुंच गई। मटियास उसे वहां पर मिल जाता है और उसे वो गले लगा लेती है। मटियास ने कहा कि मैं यहाँ से जाने वाला था पर तुमने कहा था कि यहाँ के चिकन फिंगर बहुत ही अच्छे होते हैं, तो मैंने एक बार ट्राई करने के लिए मैं जरा रुक गया। सोफिया कहती कि मैं तुम्हारे लिए वाइन लाई थी ताकि हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट कर पाए, मुझे मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन मिल गया है। मटियास को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। सोफिया ये भी कहती है कि मैंने मैड्रिड के लिए अप्लाई किया था जहां पर मटियास जाने वाला है। ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। मटियास कहता है, तो फिर मैं हमेशा तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा। वो दोनों फिर किस कर लेते हैं। सोफिया कहती है, क्या तुम थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर रुक सकते हो। मटियास ने कहा कि अब मैं कैसे जा सकता हूँ। वो दोनों फिर वहीं पर रुक जाते हैं। रात में सब लोग मिलकर एक पार्टी करते हैं। वहां पर शेफ ने एक होली फायर लगाई थी। वो कहते हैं कि अगर इस फायर से तुम जम करो तुम्हारी सारी विशेष कंप्लीट हो गई। सोफिया और मटियास फिर अपनी विश लिख कर इसमें बर्न करते हैं। दोनों ने मिलकर जम किया। इसके बाद सोफिया अपनी मदर से कहती है कि आपको भी जम करना चाहिए। तभी मदर के सामने मदर जिस आदमी से प्यार किया करती थी वो उनके सामने आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश थे। सोफिया मदर से कहती है कि मैं अगर दूर जा रही हूँ तो मैं आपको अकेला नहीं देखना चाहती। मदर को भी अपना प्यार मिल गया था और सोफिया को भी। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका ख्याल रखिए।